आज हम बनाने वाले हैं एक फायर अलार्म, उसके लिए लगेगा आपको बजर। ये है एक 6-12 वोल्ट का बजर। उसके बाद आपको लगेगा एक वायर, और उस वायर के साथ मैंने एक फीमेल 12 वोल्ट पोर्ट ज्वाइन कर रखा है पहले से ही, आप देख सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको लगेगा एक ट्यूबलाइट स्टार्टर, या आपको किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान पर आराम से मिल जाएगा 10 से 15 रुपये के बीच में। और इसके बाद आपको इसको खोल लेना है। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका क्या करना है। उसके बाद आपको एक चाहिए पीसीबी, तो आप जानते ही होंगे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों वायर्स को आप इंसर्ट कर लीजिए पीसीबी में। इंसर्ट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार की दिखेगी, पीछे से ये दो टर्मिनल छूट जाएंगे। अब आपको बजर इंसर्ट करना है। बजर सोल्डर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अब मैं बता देता हूं आपको स्टार्टर का क्या करना है। ये आपको एक बल्ब टाइप का मैकेनिज्म इसमें दिख रहा होगा, इसको आपको अलग कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको अच्छे से। इस टाइप का हर स्टार्टर में रहता है, आपको इसको अलग कर लेना है। और अब आपको इसको भी पीसीबी में इंसर्ट कर लेना है। सोल्डर करने का यह कुछ इस टाइप के दो टर्मिनल दिखेंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको किस टाइप से सोल्डर कर लेना है। आप ये सब इस सर्किट डायग्राम को देख के समझ जाएंगे। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम, यहाँ है एक 12 वोल्ट बैटरी या फिर पावर सप्लाई, उसका प्लस गया है स्टार्टर बल्ब में, और उससे स्टार्टर बल्ब का दूसरा टर्मिनल जो प्लस साइड है वो गया है बजर में, और बजर का माइनस डायरेक्ट कनेक्ट है बैटरी में, आप देख सकते हैं। तो चलिए इन सबको टेस्ट करते हैं। मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट कर ली है, चलिए अब इस बल्ब को गर्म करते हैं।